नमस्कार दोस्तों, लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को मेरे द्वारा डाली गई वीडियोस पसंद आ रही होंगी। आज हम यूनिट फर्स्ट के सेकंड चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं, भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय। हाँ जी, भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय जो है वो बेल्वेडियर हॉल है। यह भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय है। इसकी स्थापना 29 सितंबर 1948 को जो है की गई थी। यह एक डिपॉजिटरी लाइब्रेरी है तथा भारत के संस्कृति मंत्रालय के अधीन यह कार्य करता है। इसका एक डिलीवरी बुक ऑफ एक्ट भी है 1954। इसके तहत राष्ट्रीय पुस्तकालय को अधिकार है कि यह भारत में प्रकाशित होने वाली प्रत्येक लेखक की पुस्तकों की एक एक प्रति अपने पास मंगवाने का अधिकार रखता है 30 दिवस के अंदर अंदर। हमारे राष्ट्रीय पुस्तकालय को भारतीय संविधान में भी जगह दी गई है। हाँ जी, भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय को जो है भारत की संघीय सूची 7 एवं संविधान की धारा 62 में जो है जगह दी गई है। अगर हम इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में बात करें तो अगर भारत का पहला राष्ट्रीय पुस्तकालय की अगर हम बात करेंगे तो वो था कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी। कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना जो थी वो 21 मार्च 1836 को जो है होती है। ठीक है, जिस टाइम पर इसकी स्थापना होती है तो J.S. स्टॉलकर जो होते हैं उनके द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। उनके द्वारा एक समिति का गठन किया जाता है। उस समिति का जो उद्देश्य होता है वो यह उद्देश्य होता है कि भारत में एक सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना करना। ठीक है, इसके लिए वो सरकार से उसकी ज़मीन के लिए बात करते हैं। 1836 में सरकार से जो है बात की जाती है। जब बात करने के लिए जाते हैं तो इनकी टीम में 2 लोग भारतीय तथा 22 लोग जो है विदेशी होते हैं। 1836 में सरकार से बात करते हैं तथा 1840 में इनको जो सरकार है वो ज़मीन दे देती है। जब इसका भवन निर्माण कार्य चल रहा था तो एक अंग्रेज़ी अखबार के जो संपादक थे उन्होंने इस पर जो है सबसे ज़्यादा पैसा लगाया था, इसलिए इसका जो नाम था वो मेटकॉफ हॉल जो है रख दिया गया था।